हाय फ्रेंड्स, आइए हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं, द काइट मेकर का। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि वो जो है डोरी खींचती गई और वह जैसे अपना खुद का जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो गई हो, मतलब निश्चय कर लिया हो, डिटरमाइंड टू बी फ्री, मतलब स्वतंत्र होने के लिए निश्चय कर लिया। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, आगे हम देखते हैं। तो जो है डोरी खींचती गई और हम लोग यहाँ देखते हैं फिर। एंड देन इट हैपेंड, और तब यह हुआ, द ट्वाइन स्नैप्ड, धागा टूट गया, द काइट लिप्ट अवे, यानी पतंग जो है लिप्ट अवे, उछलती हुई दूर चली गई टूवार्ड्स द सन, सूर्य की ओर। उछलती होने मतलब उड़ती हुई दूर पर चली, दूर चली गई सूरज की ओर, उड़ती हुई चली गई। सेल्ड ऑन, और खूब सेल मतलब होता है वैसे नाव, नाव के लिए होता है, लेकिन सेल्ड ऑन मतलब उड़ती गई। अनटिल इट वॉज लास्ट टू बी, जब तक ये आंखों से ओझल ना हुई। इट वॉज नेवर फाउंड अगेन, यह दोबारा कभी नहीं पाई गई। एंड महमूद वंडर्ड, और महमूद ने आश्चर्य किया आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद मतलब उसने ऐसी पतंग बनाई थी और यह उड़ती चली गई और इस दोबारा इसे नहीं पाया गया, इसलिए महमूद आश्चर्य कर रहा है। महमूद वंडर्ड आफ्टरवर्ड्स, महमूद ने इसके बाद आश्चर्य किया इफ़ कि क्या ही हैड मेड टू बी विड, कि क्या उसने इतनी वास्तविक पतंग बना दी थी, इतनी रियल अस्पष्ट पतंग बना दी थी। टू लिविंग अ थिंग ऑफ द ग्रेट काइट, उस महान पतंग को इतना जीवधारी बना दिया था, इस बात को लेकर वो क्या कर रहा था, आश्चर्य कर रहा था। ही हैड नॉट मेक अनदर लाइक इट, उसने जो है इसके इसके तरह जो है लाइक इट, इसकी तरह कोई दूसरी पतंग नहीं बनाई। बट इंस्टेड, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रेजेंटेड द नवाब, उसने नवाब को उपस्थित किया अर्थात नवाब को भेंट किया, नवाब को उपहार दिया, विद अ म्यूजिकल काइट, एक संगीत वाले पतंग, संगीत उत्पन्न करने वाली पतंग से नवाब को क्या किया, मतलब भेंट किया, अर्थात नवाब को उसने संगीत वाली, संगीत उत्पन्न करने वाली पतंग दी। वन दैट मेड अ साउंड लाइक द बीना, वह पतंग जो बीना की तरह क्या निकालती थी, आवाज़ निकालती थी। यस, हाँ, दोज वर मोर लेजरली डेज, उन वे दिन जो है, दोज वर मोर लेजरली, वह दिन जो है लेजरली मतलब अवकाश के दिन, छुट्टियों के दिन, ठीक है, वह बहुत ही अवकाश के दिन हुआ करते थे। बट द नवाब हैड डाइड इयर्स एगो, लेकिन नवाब जो है कई साल पहले ही मर चुके थे, मर गए थे। हिज डिसेंडेंट्स, मतलब उसके उत्तराधिकारी, वर आलमोस्ट एज पुअर एज महमूद हिमसेल्फ, वर यानी उसके उत्तराधिकारी उतने ही गरीब हो गए थे जितना कि महमूद हिमसेल्फ, महमूद स्वयं। काइट मेकर्स लाइक पोएट्स, कवियों की तरह वंस हैड दियर पैटर्न्स, पैटर्न्स मतलब संरक्षक, अपने खुद के संरक्षक हुआ करते थे। महमूद नाउ हैड नन, लेकिन महमूद के पास अब कुछ भी नहीं था। नो वन आस्क्ड हिम हिज नेम एंड ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, प्रोफेशन, यानी कोई भी व्यक्ति अब उसका ना तो नाम पूछता था ना तो कोई व्यवसाय पूछता था, सिंपली साधारणतया, बिकॉज क्योंकि देयर वर टू मैनी पीपल इन द गली, कि गली में बहुत सारे लोग थे, एंड नो बॉडी, और कोई भी व्यक्ति कुड बी वॉदर्ड मतलब परवाह नहीं करता था अबाउट नेबर्स मतलब पड़ोसियों के बारे में, यानी गली में बहुत सारे लोग थे और कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसियों की परवाह नहीं करता था। व्हेन ही वाज यंगर, जब वह युवा था, एंड हैड फॉलन सिक, और कभी बीमार पड़ जाता था, महमूद के बारे में बताया जा रहा है कि यदि जब जब जो है महमूद युवा था, एंड फॉलन सिक, और कभी बीमार पड़ जाता था, तो एवरी वन इन द नेबरहुड, तो उसके पड़ोस के सभी लोग, हैड कम टू आस्क अबाउट हिज हेल्थ, उसके पास आते थे टू आस्क अबाउट हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए, यानी जब वह कभी हुआ था जब, तो जब अब कभी बीमार हो जाता था तो उसके पड़ोस के सभी लोग उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने आया करते थे। नाउ अब व्हेन हिज डेज वर ड्राइंग टू अ क्लोज, ड्राइंग टू अ क्लोज का मतलब होता है अबाउट टू डाई, मरने वाला, यानी व्हेन हिज डेज वर ड्राइंग टू अ क्लोज, लेकिन जब वह मरने वाला था अर्थात तो उसका समय आने वाला था, नज़दीक आने वाला था, तो नो वन विजिटेड हिम, कोई भी उसे देखने नहीं आता। मोस्ट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स, उसके कुछ प्राणी मित्रों में से अधिकांश वर डेड, मर गए थे। हिज सन्स हैड ग्रोन अप, उसका पुत्र, उसके पुत्र जो है बढ़ गए थे, बड़े हो गए थे। वन वाज वर्किंग इन अ लोकल गैरेज, एक जो है यानी एक पुत्र जो है उसी स्थानीय गैरेज में ही काम कर रहा था। दादर, जबकि दूसरा पुत्र हैड स्टेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ही रह गया था। वेयर ही वाज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, क्योंकि वह बंटवारे के ही समय पर वहाँ पर था, यानी जहाँ
जहाँ वह बंटवारे के समय से ही था। द चिल्ड्रेन हु हैड बॉट काइट्स, यानी वह बच्चे जो पतंगों को खरीदा करते थे, फ्रॉम हिम, उससे 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले, वर नाउ एडल्ट्स, अब वयस्क हो गए हैं। यानी वह बच्चे जो 10 साल पहले उनसे पतंगों को खरीदा करते थे, वर नाउ एडल्ट्स, अब क्या हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं। स्ट्रगलिंग फॉर अ लिविंग, और अपनी जीविका, लिविंग मतलब जीविका, अपनी जीविका के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल मतलब पर्याप्त मतलब संघर्ष कर रहे हैं। दे डिड नॉट हैव टाइम, उनके पास समय नहीं होता है, फॉर द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के लिए, एंड हिज मेमोरीज, और उनकी यादों के लिए। अब उनके पास जो है उस बूढ़े आदमी के लिए और उस मेमोरीज यानी उनकी यादों के लिए और बूढ़े आदमी के लिए कोई भी समय नहीं होता है। हैविंग ग्रोन अप इन अ स्विफ्ट चेंजिंग, यानी इतनी तेज बदलती हुई कंपटीटिव प्रतियोगी दुनिया में, यानी इतनी तेज बदलती हुई इस प्रतियोगी दुनिया में बड़े होकर के दे लुक्ड एट द ओल्ड काइट मेकर, वे बूढ़े पतंग बनाने वाले को इस तरीके से देखते हैं, विद द सेम इनडिफरेंस, उसी उदासीनता, इनडिफरेंस मतलब उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कमी, जिसमें इंटरेस्ट ही ना हो। तो कह रहा है यानी हैविंग ग्रोन अप इन अ स्विफ्ट चेंजिंग कंपटीटिव वर्ल्ड, यानी इस तेज बदलती हुई प्रतियोगी दुनिया में बड़े होकर के, दे लुक्ड एट द ओल्ड काइट मेकर, वे बूढ़े पतंग बनाने वाले को देखते थे, विद द सेम इंडिफरेंस, उसी उदासीनता के साथ, एज दे सोड टुवर्ड्स द बनियान, जैसा कि वे बरगद के पेड़ को देखते थे, अर्थात बरगद के पेड़ को भी उसी उदासीनता के साथ देखते थे जैसे कि उस लोकल किसे मतलब महमूद को देखते थे, काइट मेकर को देखा करते थे। तो बरगद के पेड़ के नीचे अब कोई ना तो बैठता था, ना तो कोई अपने प्लान्स डिस्कस करता था, यही सारी बातें। आगे देखते हैं मित्र। बोथ वर टेकन फॉर ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड मतलब एक्सेप्टेड, मतलब मान लिया जाता है, सपोज्ड। बोथ वर टेकन फॉर ग्रांटेड एज परमानेंट फिक्सर, परमानेंट फिक्सर मतलब अस्थायी चीज। यानी दोनों को, बोथ मतलब दोनों, मतलब बरगद के पेड़ को और काइट मेकर को, दोनों को टेकन फॉर मान लिया गया था, एज परमानेंट फिक्सर, अस्थाई चीज़ों के रूप में मान लिया गया था। दैट वर ऑफ नो कंसर्न, जिसका कोई महत्व नहीं होता था, टू द मास ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब जनसाधारण से, मास ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब जनसाधारण से, जिनका कोई लेना देना नहीं होता था, दैट सराउंडेड, जो उन्हें घेरे हुए थे। नो लॉन्गर डिड पीपल गदर अंडर द बनियान ट्री, और ना ही लोग जो है उस बरगद के पेड़ के नीचे गदर होते थे, गदर मतलब ना ही इकट्ठा होते थे, टू डिस्कस दियर प्रॉब्लम्स, अपने समस्याओं को डिस्कस करने के लिए, यानी अपने प्रॉब्लम को बहस करने के लिए, प्रॉब्लम पर अब ना तो लोग वहाँ इकट्ठा होते थे और ना ही कुछ करते, ना ही दियर प्लान्स, और ना ही अपने प्लान्स यानी अपनी योजनाओं को भी डिस्कस करने के लिए वहाँ पर क्या होते थे, इकट्ठा नहीं होते थे। कहने में नो लॉन्गर डिड पीपल गदर अंडर द बनियान ट्री टू डिस्कस दियर प्रॉब्लम्स एंड दियर प्लान्स, यानी लोग अब बरगद के पेड़ के नीचे अपनी प्लान्स, अपनी योजनाओं को और अपनी समस्याओं पर डिस्कस करने के लिए, बहस करने के लिए इकट्ठा नहीं हुआ करते थे। ओनली इन द समर मंथ्स, केवल गर्मी के मौसम में, डिड समवन सीक शेल्टर, कोई व्यक्ति शेल्टर मतलब छाया खोजता हुआ आता था, अंडर इट इसके नीचे, फ्रॉम द फायर सन तपती हुई धूप से, यानी कोई व्यक्ति जो है तपती हुई धूप से छाया के लिए भले यहाँ इसके नीचे आ जाता था, वो भी गर्मी के मौसम में। बट दियर वाज ऑफकोर्स लेकिन वास्तव में द बॉय एक लड़का था, हिज ग्रांड सन उसका ग्रांड सन था, लेकिन अब वास्तव में केवल उसका कौन था, उसका केवल ग्रांड सन था, पोता था। इट वाज गुड, ये अच्छी बात थी दैट की हिज सन वर्कड क्लोज बाय, कि उसका पुत्र जो है नज़दीक में ही काम करता था, एंड द डॉटर इन लॉ, वह और उसकी बहू कुड लिव इन महमूद, और महमूद के घर में ही रह सकते थे, अर्थात रहते थे। इट ग्लैंडेंड हिज हर्ट, यह उसके हृदय को बहुत ग्लैड कर देता था, खुश कर देता था, टू वॉच द बॉय, लड़के को देख करके, एट प्ले इन विंटर सनशाइन, सर्दी की धूपों में खेलते हुए, यानी जब वह लड़के अपने छोटे लड़के को सर्दी की धूप में खेलते हुए देखता था, तो इट ग्लैडेंड हिज हर्ट, तो यह उसके हृदय खुशी से भर जाता था, अर्थात तो बहुत खुश होता था। ग्रोइंग अंडर ही जाए, जो उसकी आँखों के सामने ही ग्रो कर रहा था, बढ़ रहा था, उसी तरह बढ़ रहा था, लाइक अ यंग एंड वेल नरिश्ड सैपलिंग, जैसे कि एक छोटा सा वेल नरिश्ड अत्यधिक पोषित
पौधे की तरह, अत्यधिक पोषित पौधे की तरह वो बढ़ रहा था। पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स, जिसमें नए नए कोंपले आते रहती थी, पत्तियां आती रहती थी इस डे प्रतिदिन, यानी जैसे छोटे पौधे में नई नई पत्तियां रोज आया करती हैं, उसी तरीके से उसके आंखों के सामने उसका छोटा ग्रैंडसन क्या हो रहा था, पल बढ़ रहा था। देयर इज अ ग्रेट एफिनिटी, एफिनिटी मतलब सिमिलरिटी, देयर इज अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन, पौधों मतलब पौधों और मनुष्यों की में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, बहुत ज़्यादा समानता है। दे ग्रो एट मच द सेम पेस, वे जो है एक समान गति से बढ़ें, वे जो है एक समान गति से बढ़ें इफ़ यदि दे आर नॉट हर्ट, यदि उन्हें चोट ना पहुँचाया जाए, आर स्टार्व ना तो भूखा रखा जाए, आर कट डाउन ना तो काटा जाए, अगर उन्हें ना काटा जाए ना भूखा रखा जाए और ना ही चोट पहुंचाया जाए तो एक सेम गति से क्या करते हैं, बढ़ते हैं। इन देयर यूथ अपनी युवावस्था में, दे आर रिस्प्लेंडेंट क्रिएचर, वह एक शानदार प्राणी होते हैं, अर्थात बहुत ही सुंदर बहुत ही आकर्षक होते हैं। एंड इन देयर डिक्लाइनिंग ईयर्स, और अपने घटते हुए समय में, डिक्लाइन मतलब होता पतन यानी कमी, यानी अपने घटते हुए समय में अर्थात बुढ़ापे के समय में, दे स्टूप अ लिटिल, वह थोड़ा बहुत स्टूप कर जाते हैं, थोड़ा बहुत झुक जाते हैं। दे रिमेंबर, वह याद करते हैं, एंड दे स्ट्रेच दियर ब्रिटल लिम्स, वह अपने अंगों को स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं, इन द सन धूप में फैलाते हैं। एंड विद अ साई, और एक आँख के साथ, शेड दियर लास्ट लिप्स, और अपनी अंतिम पत्तियों को, पुरानी पत्तियों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। महमूद वाज लाइक द बनियान, महमूद भी बरगद के पेड़ के समान था। हिज हैंड्स नैरल्ड एंड ट्विस्टेड, उसके हाथ जो है ऐंठे हुए थे और मुड़े हुए थे। लाइक द रूट्स ऑफ द एंशियंट ट्री, एंशियंट ट्री मतलब पुराने पेड़ की जड़ों के समान, रूट्स मतलब होता है जड़, यानी महमूद भी उस बरगद के पेड़ के समान था, उसके हाथ जो है ट्विस्टेड मतलब मुड़े हुए थे, ऐंठे हुए थे पुराने पेड़ के जड़ों के समान। अली वाज लाइक द यंग मिमोसा, अली जो है एक छोटे मिमोसा वृक्ष के समान था। प्लांटेड एट द एंड ऑफ द कोर्ट यार्ड, जो कोर्ट यार्ड यानी आंगन के अंत में प्लांट किया गया था, लगाया गया था। इन टू ईयर्स, दो सालों में, बोथ मतलब ही एंड द ट्री, ही मतलब अली और पेड़ मतलब मिमोसा का प्रेस, यानी दो सालों में वह और मिमोसा का पेड़ वुड एक्वायर, प्राप्त कर लेंगे द स्ट्रेंथ, शक्ति एंड कॉन्फिडेंस, और विश्वास, यानी दो सालों में मिमोसा और अली जो है शक्ति और विश्वास को प्राप्त कर लेंगे। दैट आर करैक्टरिस्टिक्स, जो विशेषताएँ होती हैं ऑफ यूथ, युवावस्था की, जो युवावस्था की क्या होती है, विशेषता होती है। द वॉइसेस इन द स्ट्रीट, गलियों की आवाज़ें ग्रू फेंटर, धीमी हो गई थी, जो गलियों में चिल्लाहट थी, गुहार लगती थी, आवाज़ होती थी, वो धीमी पड़ गई है। एंड महमूद वंडर्ड, और महमूद आश्चर्य करता था, इफ ही वॉज गोइंग टू फॉल एस्लीप, कि क्या वह सोने जा रहा था, एंड ड्रीम और सपने देखने जा रहा था, एज ही सो ऑफन डिड, जैसे कि वह पहले किया करता था, जैसे वो पहले स्वप्न देखा था, उसी बात पे आश्चर्य करा, क्या वह स्वप्न देखने जा रहा था, सोने जा रहा था, और किसका स्वप्न देखने जा रहा था, ऑफ ब्यूटीफुल सुंदर पावरफुल काइट्स, और शक्तिशाली पतंग के बारे में, यानी किसके सपने देखना है, सुंदर और शक्तिशाली पतंग के बारे में स्वप्न देखने जा रहा था। रिजेंबलिंग, रिजेंबल मतलब होता टू लुक लाइक, एक जैसे दिखना, हूबहू दिखना। रिजेंबलिंग द ग्रेट वाइट बर्ड ऑफ द हिंदू, जो हिंदुओं के एक बड़े पक्षी के समान दिखता था, गरुण, जिसका नाम क्या था भैया, गरुण, गॉड विष्णुज फेमस स्टीड, जो भगवान विष्णु का फेमस स्टीड मतलब प्रसिद्ध वाहन होता है, स्टीड मतलब घोड़ा भी होता है। ही वुड लाइक टू मेक अ वंडरफुल न्यू काइट फॉर लिटिल अली, ही वुड लाइक टू मेक अ वंडरफुल न्यू काइट फॉर लिटिल अली, वह छोटे अली के लिए एक आश्चर्यजनक नई पतंग बनाना चाहता था। ही हैड नथिंग एल्स, उसके पास अब कुछ भी नहीं था, टू लीव फॉर द बॉय, उस लड़के के लिए छोड़ने के लिए, यानी उसके पास अब कुछ भी नहीं था कि वो लड़के के लिए क्या करे, छोड़ दे। तो ही हर्ड अलीज वॉइस इन द डिस्टेंस, उसने दूर से ही अली की आवाज़ को सुना। बट डिड नॉट रियलाइज, लेकिन जान नहीं पाया दैट कि द बॉय वॉज कॉलिंग आउट टू हिम, कि लड़का उसे बुला रहा था। द वॉइस सीम्ड टू कम फ्रॉम वेरी फार अवे, ऐसा लग रहा था कि आवाज़ जो है बहुत दूर से आ रही थी। अली वॉज एट द कोर्ट यार्ड डोर, अली जो है आंगन के दरवाजे के पास था।
आस्किंग पूछ रहा था इफ़ हिज मदर हैड एज येट रिटर्न फ्रॉम द बाजार, कि क्या उसकी माँ बाजार से अब तक लौट आई हैं। व्हेन महमूद डिड नॉट आंसर, जब महमूद ने कोई उत्तर नहीं दिया, द बॉय केम फॉरवर्ड, तो लड़का आगे बढ़ा, रिपीटिंग हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्नों को दोहराता हुआ, यानी अपने प्रश्नों को दोहराता हुआ, क्या माँ उसकी बाजार से नहीं आई, इसे दोहराता हुआ आगे बढ़ा। द सन लाइट वॉज स्लैंटिंग अक्रॉस द ओल्ड मैन हेड, यानी सन लाइट मतलब सूर्य का प्रकाश वॉज स्लैंटिंग अक्रॉस द ओल्ड मैन हेड, यानी बूढ़े आदमी के सिर पर तिरछी चमक रही थी। एंड अ स्मॉल वाइट बटरफ्लाई वॉज पर्च, पर्च मतलब बैठना, एंड अ स्मॉल वाइट बटरफ्लाई, और छोटी सी सफ़ेद चिड़िया वॉज पर्च्ड, बैठी हुई थी, ऑन हिज फ्लोइंग बियर्ड, उसके लहराती हुई दाढ़ी पर। महमूद वॉज साइलेंट, महमूद चुप था। एंड व्हेन अली पुट हिज स्मॉल ब्राउन हैंड, जब अली ने पुट हिज स्मॉल ब्राउन अपने भूरे हाथों को रखा, गोरे हाथों को रखा, ऑन द ओल्ड मैन शोल्डर्स, बूढ़े आदमी के कंधे पर, तो ही गॉट नो रिस्पॉन्स, तो उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं पाया, यानी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं पाई। द बॉय हर्ड अ फेंट साउंड, लड़के ने एक धीमी आवाज़ सुनी, लाइक द रबिंग ऑफ मार्बल्स इन हिज पॉकेट, जैसे कि उसके पॉकेट में रबिंग ऑफ मार्बल्स, कंचे की रगड़ हो, यानी उसने एक धीमी सी आवाज़ सुनी जैसे उसके पॉकेट में कंचे की रगड़ की आवाज़ सुनाई देती हो। सडनली अफ्रेड, अचानक वह डर गया। अली टर्न्ड, अली मुड़ा, एंड मूव टू द डोर, और दरवाजे की तरफ बढ़ा, एंड देन रैन डाउन द स्ट्रीट, और गली में चला, दौड़ता हुआ चला गया, शाउटिंग फॉर हिज अदर, माँ माँ चिल्लाता हुआ, अपनी माँ के लिए चिल्लाता हुआ, माँ चिल्लाता हुआ वो गली में चला गया। एंड इन द बनियान ट्री, और बरगद के पेड़ से अ सडन गस्ट ऑफ विंड, हवा, गस्ट ऑफ विंड मतलब तेज झोंका, हवाओं का एक तेज झोंका, काट द टर्न काइट, उस फटी हुई पतंग को पकड़ लिया, एंड लिफ्टेड इट इन टू द एयर, और हवा में लेकर उड़ गई, कैरियंग इट फार एबव द स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हुए इसे खूब दूर लेकर चली गई, स्वेटिंग सूटी इन टू द स्काई, शहरों से होते हुए पूरे आकाश भर में, मैंने ऊपर लेकर चली गई कुल मिला के। ठीक है मित्रों, ये पेपर क्वेश्चन मतलब ये चैप्टर ख़त्म हो गया, आगे हम इसके आंसर क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे। थैंक यू।